अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता करके गजा में इंसानी इमदाद में इजाफे और रफा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के इसराइली मंसूबे से मुतालिक बातचीत की। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से कहा है कि रफा में 10 लाख फलस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाए बगैर फौजी ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू में यरगमालियों की महफूज रिहाई के बारे में भी बातचीत की और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बातचीत में पेशरफ्त से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। तर्जुमान के मुताबिक बाइडन ने इसराइली वजीर आजम से गजा में इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए इकदाम का मुतालबा भी किया। दोनों रहनुमाओं ने राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया।